तो वेलकम फ्रेंड्स टू अनदर एडवेंचर। और आज हम बात करने वाले हैं एक सिटी के बारे में जिसमें सब लोग बहुत इलास्टिक हैं, यानी कि बहुत स्ट्रेचेबल है। तो वेलकम फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कोई बात नहीं, आप मेरी पूरी वीडियो देखिए, अगर आपको अच्छी लगे तो फिर सब्सक्राइब करना। और जो लोग मेरे को जानते ही हैं तो स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। और हाँ, इस वीडियो के लिए अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हैं तो उस कमेंट कर देना। मैं होपफुली आज रात को या फिर मतलब होपफुली जब वीडियो मैंने पब्लिश करी है उसके एक दो दिन में एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपके सारे कमेंट्स का मैं आंसर दूंगा। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है इस चैप्टर से रिलेटेड, ये नहीं कि वेयर डू यू लिव, व्हाट डू यू डू, इन सब के अलावा अगर आपके इस चैप्टर से टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है जो मेरी वीडियो में बताएं तो उसे आप कमेंट करो। मैं होपफुली उनका रिप्लाई वीडियो पब्लिश करने के एक दो दिन में दे दूंगा। तो मेरी सिटी का नाम है इलास्टिसिटी, इसमें सब लोग इलास्टिक हैं। और मेरा एक फ्रेंड है जिसका नाम है इलास्टो, जिसे जो अभी अभी इसको ये वाली पावर अलॉट हुई है, यानी कि इस सिटी में सबको एक सर्टेन एज रीच होने पर ये वाली पावर मिलती है जिससे वो अपने को स्ट्रेच कर सकते हैं, और इसे भी मिली है। लेकिन बाकी सबसे अलग, ये एक साइंस स्टूडेंट है तो ये क्यूरियस है, तो उसे पता करना है कि ये पावर क्या है और ये क्यों मिलती है और ये कैसे काम करती है। तो अपने बहुत अच्छे फ्रेंड डॉक्टर फिजिक्स के पास जाता है और उनसे पूछता है कि वाई वाई इलास्टिसिटी और वॉट इज़ इलास्टिसिटी। तो फिर डॉक्टर फिजिक्स, जो कि एक बहुत समझदार डॉक्टर है, वो एक्सप्लेन करते हैं कि इलास्टिसिटी, सबसे पहले तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। वो बोलते हैं कि इलास्टिसिटी क्या है, तो मैं आपको बता दूं। तो इलास्टिसिटी कुछ नहीं, अगर आप एक सिंपल सा एक इंग्लिश वर्ड है तो इसका एक मीनिंग है प्रॉपर। तो इलास्टिसिटी का मीनिंग होता है कि कोई भी बॉडी और ऐसा ऑब्जेक्ट जो स्ट्रेच करने के बाद या कंप्रेस करने के बाद अपनी शेप रीगेन कर ले, उसे इलास्टिक बॉडी बोलते हैं, और उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इलास्टिसिटी। तो जब इस सिटी का नाम रखा गया इलास्टिसिटी, क्योंकि यहाँ पे सब लोग अपने आप को स्ट्रेच कर सकते हैं, तो सिंपल इलास्टिसिटी ये हो गया। और फिर और एक वो क्वेश्चन पूछता है कि ऐसा क्यों होता है, सब स्ट्रेच क्यों होते हैं, जबकि बाकी कंट्री में तो होते नहीं, तो हमारी कंट्री में क्यों स्ट्रेच होते हैं। तो डॉक्टर कुछ बोलते नहीं है, उसे सिर्फ एक मॉडल दे देते हैं जिसमें दो बॉल होती हैं, वो एक स्प्रिंग से अटैच होती हैं। पहले तो वो उसे बोलते हैं स्ट्रेच करो, वो स्ट्रेच करता है। फिर बोलते हैं छोड़ दो, तो वो छोड़ देता है, वो अपनी शेप रिगेन कर लेती है। फिर वो उसे एक बड़ा मॉडल देते हैं जिसमें सारी बहुत बहुत सारी बॉलें होती हैं और सब आपस में स्ट्रिंग से अटैच होती हैं। तो वो बोलते हैं अब इसे कंप्रेस करो, तो वो उसे कंप्रेस करता है, कंप्रेस हो जाती है, ठीक है। तो डॉक्टर बोलते हैं इसे कंप्रेस करने की कोशिश करो, तो जब वो उन्हें कंप्रेस करता है तो वो स्प्रिंग भी कंप्रेस्ड हो जाती है और उन सब में रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट हो जाती है। और जब वो फोर्स लगाना छोड़ देता है, यानी कि उसे छोड़ देता है, तो उस रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से वो बॉल सारी अपनी प्लेस पर वापस आ जाती है। सिमिलरली वो जब उसे स्ट्रेच करता है तब भी स्प्रिंग्स में रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट हो जाती है, और जब वो अपनी फोर्स लगाना छोड़ता है, यानी कि उसे छोड़ देता है, तो अपनी शेप दोबारा रिगेन कर लेती है। तो सिंपली अब उसे उसी मॉडल को अगर हम अपने वर्ल्ड में देखें, यानी अपने रियल वर्ल्ड में देखें, वो इलास्टिसिटी में नहीं देखें जो सिटी है, अगर अपने रियल वर्ल्ड में देखें तो हमें मालूम पड़ेगा कि वो बॉल्स नहीं, वो एटम्स हैं, और वो जो स्प्रिंग है वो इंटर एटॉमिक फोर्सेस हैं। यानी कि जब आप दो एटम्स को सेपरेट करते हैं, थोड़ा अपार्ट डिस्टेंस पे ले जाते हैं, तो इंटर एटॉमिक फोर्सेस उन्हें अट्रैक्ट करती हैं, और थोड़ा जब पास लेके आते हैं तो वो रिपेल करती हैं। इक्विबिलियम होता है, तो एक इक्विबिलियम होता है जिसपे वो अटेन मेंटेन रहती है, तो एक इक्विबिलियम होता है जिसपे ये दो एटम्स मेंटेन रहते हैं। तो अगर हम उस इक्विबिलियम को डिस्टर्ब करेंगे तो कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिसमें हम इस इक्विबिलियम को थोड़ा डिस्टॉर्ट कर सकते हैं एक सर्टेन एक्सटेंट तक, और उसके बाद ये वो उसके बाद ये एप्लीकेबल नहीं होता है। तो इसलिए कुछ मटेरियल्स कम इलास्टिक होते हैं और कुछ मटेरियल्स ज़्यादा इलास्टिक होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन देयर दिस प्रॉपर्टी। तो सडनली उसे याद आता है कि उसका एक डॉगी है जिसका नाम है मेटा, उसे रिसीव करने जाना है। तो फटाफट से वो उसे रिसीव करने जाता है। उसी डॉग शॉप के बाहर एक गार्ड बैठा होता है और वो उसे और उसके पास थ्री डॉग्स होते हैं। इलास्टो पूछता है कि आपके पास सिर्फ थ्री डॉग हैं, आपके पास ही तीन डॉग हैं, और ये तीनों इतने डिफरेंट क्यों लग रहे हैं। तो वो बोलता है, तो गार्ड बोलता है कि ये थ्री डॉग हैं मेरे, और इनका नाम मैंने अल्फा बीटा गामा रखा हुआ है। तो जो नंबर वन डॉग है अल्फा, अगर बॉल फेंक के मैं उसे बोलता हूँ फैच, तो वो बॉल तो जहाँ से वो स्टार्ट करता है वो बॉल लाके वहीं रख देता है। और मेरा जो दूसरा डॉग है इसका नाम है बीटा, अगर मैं बॉल फेंकता हूँ और बोलता हूँ फैच, तो वो बॉल लेके तो आ जाता है, लेकिन जहाँ से उसे स्टार्ट किया है वो
वो वापस वहाँ नहीं आता, वो जहाँ से उसने स्टार्ट किया वहाँ से थोड़ा दूर खड़ा रहता है स्ट्रेंज। और जो तीसरा डॉग है गामा, अगर बॉल फेंक के उसे मैं बोलूँ फेच तो वो बॉल लेके वापस ही नहीं आता। वो इलास्टो उसे ज़्यादा कोई रिस्पॉन्स ना देते हुए अपना अंदर जाता है, अपना डॉग रिसीव करता है और दोबारा अपने घर चला जाता है। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं कि वो तीन डॉग कौन थे, तो रियल वर्ल्ड में वो तीन डॉग थे सॉलिड की इलास्टिसिटी के तीन टाइप। कोई भी सॉलिड तीन तरीके की इलास्टिसिटी में डिवाइड किया जा सकता है, पहली परफेक्ट इलास्टिसिटी, सेकंड पार्शियल इलास्टिसिटी और थर्ड प्लास्टिक सॉलिड। तो परफेक्ट इलास्टिसिटी अल्फा की तरह है, किसी भी अगर उस सॉलिड को अगर हम कितना भी स्ट्रेच करें वो अपनी परफेक्ट शेप गेन कर लेगा जैसे हमने उसे स्ट्रेच करना स्टार्ट किया था। सेकंड जो बीटा है वो एक पार्शियल इलास्टिक की तरह है कि जहाँ से हमने स्ट्रेच करना स्टार्ट किया है अगर हम फिर बाद में थोड़ी देर में छोड़ देंगे उसे तो वो थोड़ा फैला हुआ रहेगा, मतलब वो प्रॉपर शेप गेन नहीं करेगा, वो वैसा का वैसे ही रहेगा। और जो थर्ड होता है प्लास्टिक सॉलिड, वो गामा की तरह है, वो कितना भी जितना हम स्ट्रेच करेंगे उतना ही रह जाएगा, वापस नहीं आएगा। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल एक क्ले, अगर हम उसे स्ट्रेच करेंगे तो वो वापस नहीं आता है, वो वैसे के वैसे ही रहता है। तो इस वीडियो के लिए यार इतना ही, ये मैं पता है मैं थोड़ा यूनिक कंटेंट बना रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ अपना पूरा यूनिवर्स क्रिएट करने की है धीरे धीरे करके। तो अगर आपको यार ये मेरी इनिशिएटिव अच्छा लगा हो तो यार से लाइक कर देना, कमेंट कर देना कि मैं क्या इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ, और सब्सक्राइब कर देना कि अगर आपको ऐसी और वीडियो देखनी, क्योंकि मैं इसे आगे और भी इंटरेस्टिंग और थोड़ा इसमें इन्वेस्टमेंट करके इसे थोड़ा अच्छा बनाने की कोशिश करूँगा। तो यार बाय पैस।